हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह, स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। और आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, अप्रैल आ गया, जून में पेपर है बच्चों के हमारे। अब बच्चे बेचारे इतने परेशान हैं और बहुत कुछ बच्चों का तो बेचारों कईयों का टेंटों का जिर्फ एक एक ग्रुप की वजह से बेचारे फाइनल में जा रहे होंगे, जो सीए नहीं बन पा रहे, सीएस नहीं बन पा रहे, सीएमए नहीं बन पा रहे, मतलब अपने प्रोफेशनल करियर अचीव नहीं कर पा रहे। और कुछ बच्चे ऐसे और एक अटैम्प्ट से नहीं, कई अटैम्प्ट से नहीं कर पा रहे। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नीचे वाले लेवल से ही निकल पा रहे, किसी का एक ग्रुप नहीं निकल पा, किसी का दो नहीं निकल पा, हर किसी की अपनी अपनी परेशानी है। और हम जब भी बच्चा फेल होता है तो उसको एक ही चीज बोलते हैं कि बेटा उम्मीद नहीं छोड़नी, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मेहनत करो, सब अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, सब बढ़िया होगा। हुआ क्या, कल किसी स्टूडेंट ने, मेरी ही स्टूडेंट ने मेरे के पास एक वीडियो शेयर करी, किसी डॉक्टर की वीडियो थी। वो वीडियो इतनी अच्छी लगी, उसका कंसेप्ट जो उन्होंने अल्टीमेटली सिखाया वो इतना बढ़िया लगा मेरे को। हालांकि अब इंडिया में तो वीडियो बड़ी जल्दी वायरल होती है, तो क्या पता आप लोगों ने वो देख भी लियो, लेकिन वो वीडियो मेरे को इतनी अच्छी लगी, मैंने सोचा जिन लोगों ने नहीं देखी तो मेरे चैनल के मीडियम के थ्रू वो वीडियो का कंक्लूजन देखें। वो मतलब बहुत अच्छी बात थी। हम इसलिए आज की वीडियो का जो टाइटल है वो टाइटल भी यही है, उम्मीद क्या है। उम्मीद क्या है, हुआ क्या, वो एक डॉक्टर की स्टोरी थी। वो डॉक्टर बता रहे थे कि उनके पास एक पेशेंट आया और उस पेशेंट के ब्रेन में ट्यूमर था, और ब्रेन में ट्यूमर था तो वो ट्रीटमेंट करवाने आया। और वो ट्रीटमेंट करवाने आया तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट, चांस की बात है, करने ही लगा था तो उसने पहले पेशेंट ने पूछ लिया कि सर मैं बच तो जाऊंगा ना। डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बच जाओगे, कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है इसके अंदर, बिल्कुल बच जाओगे। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा, टचवुड बॉक्स सक्सेसफुल भी हो गया। देन अगेन थोड़े दिन बाद उसको फिर परेशानी हो गई और फिर उसको ऐसा लगा कि दिमाग में कुछ हो रहा है, तो उसने फिर डॉक्टर को फोन मिलाया कि सर मैं बच तो जाऊंगा ना। डॉक्टर ने कहा बच जाओगे इंशाल्लाह, बिल्कुल बचोगे, उसमें क्या परेशानी है, ऐसा कहां लगता है कि हम तो बिल्कुल कह रहे हैं आप बचोगे बचोगे। तो उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, लेकिन उस पेशेंट को ना अंदर से कमजोरी फील होती थी, मतलब वो अंदर से सेटिस्फाइड नहीं होता था। देन चांस की बात एक दो बार थोड़ा फील होते होते उसके दिमाग में फिर दोबारा ज्यादा पेन हुआ। देन वो फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर से कहा डॉक्टर मैं बच तो जाऊंगा ना। तो डॉक्टर ने कहा हम आपका इंशाल्लाह जरूर बचोगे, आपका ट्रीटमेंट करते हैं। तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करना शुरू करा और वो किसी तरीके से बस वो क्योर कर दिया, सक्सेसफुल हो गया। लेकिन अभी भी अंदर से खतरा डॉक्टर को लग रहा था, लेकिन डॉक्टर ने कहा यार मुंह पे नहीं बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता, ठीक है मैं बोल नहीं पा रहा, ठीक है मैं उसे ये बोलूंगा बच जाओगे। देन दो चार दिन हुए, पांच दिन हुए, उसने फिर फोन मिलाया, सर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मैं बच तो जाऊंगा ना। उन्होंने कहा बच जाओगे। देन डॉक्टर को लगा यार कि मैं बार बार बोल देता हूँ बच जाएगा, अंदर से मैं भी जानता हूँ कि बचने के चांस कम है, इस बार ना किसी तरीके से बोल ही दूंगा कि नहीं बचने के चांस नहीं है, एक दिन सबको जाना है, आप भी जाने वाले, कह रहे ऐसा सोच के बोल दूंगा। देन मीनवाइल दो दिन बाद वो पेशेंट कहीं उनको मिल गया डॉक्टर को, और मिलने के बाद वो पेशेंट ने रास्ते में पूछ लिया कि सर अच्छा सा नहीं लगता, मैं बच तो जाऊंगा ना। तो डॉक्टर ने कहा बिल्कुल बच जाओगे। यार घर आ गया और डॉक्टर ने घर आके सोचा यार मेरे से बोला ही नहीं गया, आज मैं बोलने लगा था कि भाई तेरा नहीं होगा कुछ, लेकिन मैं फिर भी नहीं बोल पाया। देन डॉक्टर ने कहा आप किसी भी तरीके से अगर वो आखिरी बार पूछेगा तो मैं बोल दूंगा कि आप नहीं बचोगे। करते कराते एक आध दिन दो दिन हुए, उसके बाद वो उनके क्लिनिक में चला गया, कहता है कि सर अब ना मेरा सहा नहीं जाता, आप कहते हो हम इलाज कर रहे हैं, सब सही हो रहा है, मैं बच जाऊंगा। डॉक्टर ने क्लियर कट बोल दिया कि देखो एक दिन सबने आए हैं, सबने जाना है, तो आई एम सॉरी अब आप नहीं बच पाओगे। इतना बोल के उस पेशेंट ने बोला थैंक यू मेरे को बताने के लिए, कम से कम मैं एक तरफ तो हुआ कि मेरे को अब मैं नहीं बच सकता। देन वो डॉक्टर घर चला गया। देन उसको अंदर से बेचैनी होने लगी, यार मैंने क्या बोल दिया। तो एक बार उस पेशेंट के घर में मिला के फोन करके उसको तसल्ली देने के लिए बात कर लेता हूँ। कहते उन्होंने फोन मिलाया, फोन मिलाने के बाद उनकी डॉक्टर की वाइफ ने फोन उठाया, मतलब डॉक्टर की वाइफ ने, कह रहा हूँ उस पेशेंट की वाइफ ने फोन उठाया, और वाइफ को फोन जैसे उसने उठाया तो डॉक्टर ने कहा कि वो आप उनसे बात करा दो, अभी वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनको बोला कि आप नहीं बच पाओगे, तो मैंने एक बार उनसे बात कर लूँ। तो उनकी वाइफ कहती है सर वो मर गए, उनकी डेथ हो गई अभी 10 मिनट पहले। इसका मतलब जिस टाइम उन्होंने बोला उसके जाने के 15 मिनट के बाद ही उस बंदे की डेथ हो गई। तो इसका एक कंक्लूजन निकाला डॉक्टर ने, ये कहा कि इसका मतलब जो वो बचा हुआ था अब तक वो मेरे हाँ बच जाएगी कहने की उम्मीद की एक डोरी थी जिससे वो बचा हुआ था,
कि डॉक्टर को लगता था जब उसने उसको बोला तो उसकी वाइफ कहती है कि जब आप उसको बोलते थे वो बच जाएगा तो उसके दिमाग में उम्मीद थी कि वो बच जाएगा, इसलिए वो अब तक सर्वाइव कर पाया, अंदर के उसके जो इम्यून सिस्टम था वो स्ट्रांग रहा और वो लड़ते रहे अंदर से। मतलब उम्मीद यहां से डॉक्टर ने निकाला कि उम्मीद एक वो डोरी है, एक वो होप है जो इंसान को छोड़नी नहीं चाहिए। इंसान जब कोई उम्मीद रखता है ना किसी चीज से तो वो उस उम्मीद उसको ऊंचा लेकर जाती है, उसको सक्सेस में कन्वर्ट कराती है। अगर उम्मीद रहेगी तो आप बढ़ पाओगे, इसीलिए लोग कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो सेम इस जर्नी से एक चीज क्या सीख किया है कि जब तक डॉक्टर ने उसको बोल रखा था तो बच जाएगा, उसके दिमाग में होप थी। जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि आप नहीं बच पाओगे तो उसके दिमाग से वो होप खत्म हो गई, जिसकी वजह से वो जीना चाहता था, वो होप ही खत्म हो गई, उसको पता लग गया मैं नहीं बचूंगा, वो उसी दिन मर गया। अदरवाइज मरना तो उसने पहले भी था ही, ऑब्वियस है, लेकिन मुझे इतना टाइम सर्वाइव कर पाया बिकॉज ऑफ दैट होप, वो उम्मीद जिसने उसको बांध रखा था। सिमिलरली अगर मैं इसको अपने बच्चों की स्टोरी से लिंक करूं तो हमारे जो CA CA CMA के बच्चे हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे हैं, हम लोग भी एक उम्मीद पे टिके। हम फेल हो जाते हैं, बच्चा हमारे से भी बार बार पूछता है सर हम पास हो जाएंगे, मेरे को नहीं लगता कि अब मैं पास हो पाऊंगा, सर बहुत मेहनत कर ली हमारे से नहीं हो रहा, शायद मेरी जिंदगी में पास होना लिखा नहीं है, मेरी जिंदगी में CA CS बनना लिखा नहीं है, तो इस वजह से मैं सर छोड़ दूंगा। और अगर किसी तरीके से हमको पता भी होता है कई बार कि बच्चा नहीं बन पाएगा, हम कभी भी उसको नहीं बोलते नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे को लगता है क्या पता है बच्चा कल को हमारे कहने पे कि हम इसे बोलते हैं तो बन जाएगा, क्या पता वो और मेहनत करे, उसको अंदर से एक कहते हैं ना आग लगी रहे कि जिसे हम फायर इन बैली बोलते हैं, कि वो लगी रहे कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ कर जाऊंगा। तो मेरा मानना ये है इंसान को हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, ताकि वो खुद भी पॉजिटिव रहे, उसके साथ मिलकर लोगों को भी पॉजिटिव वाइब रहे और आसपास भी पॉजिटिविटी ही रहे, एनवायरमेंट भी पॉजिटिव हो जाए। इससे क्या होगा कि हमारी जो उम्मीद है ना वो कामयाब रहेगी, हम लोगों के दिमाग में सोच रहेगी, और जो अंदर से हमारे को नेगेटिविटी आती है कि हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं हो पाएंगे, वो खत्म हो जाएगी। और एक चीज वाकई ही मान लो, उम्मीद कर रखी है कि मैं बनूंगा, उसके लिए उतनी मेहनत कर रहे हो, तो भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली बन जाओगे। प्रयास क्या हुआ, कितने अटेम्प्ट लगे, उसको छोड़ दो, सक्सेस आपके हाथ में होगी। जिस चीज का सपना लेके आए हो उस सपने को लेके निकलना, वो जो सपना एक बार लगेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और पता है क्या होगा, अगर आज छोड़ा या इस टाइम पे थोड़ी सी डिमोटिवेशन ज्यादा आती है, इस टाइम पे क्या होता है कि आखिरी के एक डेढ़ महीना होता है, हम लोग घरों में बैठे हैं, सब अंदर ना अजीब अजीब से लग रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है दुनिया घूम रही है, लोग ग्रिल पे खड़े हैं, तो ग्रिल पे खड़ा हम जाओ तो 5-10 मिनट ग्रिल पे जाते हैं, सुबह से जो मतलब 12-12, 14-14 घंटे पढ़ रहे हैं, 5-10 मिनट ग्रिल पे जाके खड़े होते हैं, तो ग्रिल पे भी इतना अच्छा अच्छा लग रहा होता है खड़े होके। कोई पुराने जमाने की पिक्चर चल रही होती है, पिक्चर देख के भी अच्छा लग रहा होता है, यार वाह क्या पिक्चर चल रही है, आज तक कभी ना देखी, लेकिन इस टाइम पे हमारे को आसपास की सारी चीजें अट्रैक्ट करती हैं, सारी चीजें अच्छी लग रही होती है। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था, लेकिन इस चीज के चक्कर में कि आपको पीछे वाले अटेम्प्ट में ये हुआ, वो ICS से पास नहीं करना चाहता, हम पास होंगे नहीं, ऐसा कर कर आके अपना करियर खत्म नहीं करना। कोई वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, पेपर्स हैं, आप बुक्स से आते हैं, पढ़ाई करके जाओगे, बन जाओगे। तुम लोग ना उम्मीद नहीं रखते, कुछ लोग ना बहुत नेगेटिव हैं, इंस्टीट्यूट पास ही नहीं करना चाहता, जो मर्जी पढ़ जाऊं पास होगा नहीं, वो वाक्य में नहीं होगा क्योंकि उसको उम्मीद नहीं है अपने से। अभी हमने लिंक करा, उम्मीद होगी तो पास हो जाओगे। वो जो नेगेटिव बंदा होता है ना, तो उसके पास होप ही नहीं है तो वो पास भी नहीं होता। जिसके पास होप होती है ना, वो डायरेक्शन मेहनत करता है, वो पॉजिटिव सोचता है, पॉजिटिव लोगों के साथ पॉजिटिव होता है। तो सोच अच्छी रखो, अच्छा अच्छा बिहेव करो, अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जर्नी थी मेरे को बहुत अच्छी लगी, मेरे को वो मतलब उन डॉक्टर की मेरे को उन बात बड़ी अच्छी लगी, मैंने सोचा शेयर करूंगा। थैंक्स टू दैट गर्ल जिसने मेरे को वीडियो शेयर करी, एंड थैंक्स आप सबका जो इतना प्यार दे रहे हैं, एंड स्टे मोटिवेटेड एंड कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग माई वीडियोज। मोटिवेट रहो, अच्छा फील करो, सब अच्छा होगा। इसी तरीके से वीडियोज को प्यार देते रहे। Keep loving and keep supporting. Thanks a lot. Bye-bye.